हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने मंगलवार को निर्देश दिए कि ड्राई रन के समय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने ब्रिटेन से आए लोगों में पाए गए कोविड-19 के नए वायरस के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे लोगों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग प्राथमिकता से की जाए, साथ ही इन लोगों के कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी सख्ती से की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि 7 जनवरी 2021 को चलाए जाने वाले ड्राई रन में जिन हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया जाना है उनका संपूर्ण विवरण सॉफ्टवेयर में दर्ज होना अनिवार्य है। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना के अनुसार पंचकुला जिले में 2 जनवरी 2021 को ड्राई रन चलाया गया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब 7 जनवरी को पूरे प्रदेश में ड्राई रन चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट की पूरी प्रक्रिया का शुरू से अंत तक अभ्यास करना है, ताकि इसके क्रियान्वयन में आने वाली तमाम चुनौतियों की पहचान की जा सके। उन्होंने बताया कि बढ़ी हुई क्षमता वाले राज्य के मौजूदा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के प्लेटफॉर्म का उपयोग कोविड-19 वैक्सीन लगाने के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन लगाने की शुरुआत साल भर में क्रमिक रूप से कई समूहों से होगी और इसे हेल्थ केयर वर्कर्स से शुरू किया जाएगा। श्रेणी 1 के तहत स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। श्रेणी 2 के अंतर्गत पालिका और सफाई कार्यकर्ता, राज्य और केंद्रीय पुलिस बल, सिविल डिफेंस और सशस्त्र बलों तथा राजस्व अधिकारियों जैसे फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया जाएगा। श्रेणी 3 के अंतर्गत 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और श्रेणी 4 में 50 वर्ष से कम आयु के ऐसे लोगों का टीकाकरण किया जाएगा जो बीमार हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।